नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे यूपी की खबरों की। बिजनौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर शराब माफियाओं के खिलाफ बिजनौर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 3 शराब माफियाओं को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 3 शराब माफियाओं के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। सिंगरौली जिले में देवसर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुभाष रामचरित वर्मा के अथक प्रयासों से क्षेत्र का चहुमुखी विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी महामंत्री शैलेंद्र द्विवेदी ने बताया कि बरगवा रेलवे पर ओवरब्रिज न होने की वजह से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए सांसद और लोकप्रिय बीजेपी विधायक सुभाष रामचरित वर्मा के अथक प्रयासों के बाद ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। रामपुर के मिलक क्षेत्र में किसान के घर में चिंगारी के जरिए लगी आग से घर में रखा किसान का अनाज और हजारों का सामान, 10,000 रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। साथ ही 3 पशु भी झुलस गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई, लेकिन इस आग से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने से महिला समेत 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। जिले में लगातार अवैध शराब बनाने वाले गिरोह सक्रिय हैं। पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से अवैध शराब बनाने वालों को मनोबल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिले में अवैध शराब बनाने वालों का धंधा जोरों पर है। पंचायत चुनाव नजदीक होने से अवैध शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रामपुर में प्रेमी की शादी न करने से युवती ने युवक के घर के सामने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में युवती के पिता की तहरीर के आधार पर प्रेमी और उसके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में केमिकल से ड्रम जो है वो भरे हुए थे। देखते ही देखते ट्रक जलकर राख हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के सिरसा कसना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ललितपुर में 1100 किलो से अधिक गांजे की खेप बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा से हाथरस ट्रक में रखकर ये गांजा लाया जा रहा था। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ, एनसीबी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर क्षेत्र अंतर्गत NH44 मसौरा के पास से ट्रक और आरोपियों को डिटेन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी बैंकों के निजीकरण किए जाने के विरोध में आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर मथुरा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय बैंक बंद हड़ताल कर अपना विरोध जताया। जिसमें सभी बैंक कर्मियों ने जमकर भाजपा सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम सरकार का विरोध करते हुए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और कहा कि जिस तरह से सरकार सारी सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है, ये इनके नकारापन की पहचान है और बैंक सेवा करती है, मगर जिस तरह से प्राइवेट की जा रही है, उससे ग्रामीण और आम जनता को खासा परेशानी होगी। नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। कई सेक्टरों में आवारा कुत्ते छोटे बच्चों को काटकर घायल कर चुके हैं। सेक्टर 120 आम्रपाली जोड़ी सोसाइटी के लोगों ने कुत्तों के आतंक से परेशान होकर कैंडल मार्च निकालकर रोष व्यक्त किया। उनका कहना था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नोएडा प्राधिकरण ने इन कुत्तों से लोगों को राहत दिलाने की कोई पहल नहीं की है। सिंगरौली पुलिस के लिए चुनौती बने 2 शराती लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, जो रात के समय ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे थे। दोनों आरोपी जीजा साले पुलिस के लिए चुनौती बन चुके थे। दोनों वारदात से पहले रेकी कर ये पता लगाते थे कि पुलिस पिकेट कहां कहां लगी है, इसके बाद वारदात को अंजाम देते थे। नवानगर थाना प्रभारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी 3 घंटे में अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों में मोबाइल लूट की 5 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दोनों लुटेरे जीजा साले को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में सरकारी बैंकों के कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर बैंक ऑफ इंडिया के सामने 2 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए हैं। इससे बैंक आने वाले उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सरकार द्वारा बैंकों को निजीकरण किए जाने के विरोध में आधा दर्जन सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तेलंगाना के हैदराबाद से प्रारंभ हुए कुंभ संदेश यात्रा रविवार को कौशाम्बी पहुंची। कौशाम्बी जिले के बीएस मेहता डिग्री कॉलेज भरवारी में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल लोग रविवार को रात्रि विश्राम करने वहीं पर रुके थे, इसके बाद वो प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। ये कुंभ संदेश यात्रा लगभग 6,000 किलोमीटर का भ्रमण कर 31 मार्च को हरिद्वार में जाकर सम्पन्न होगी। अम्बेडकर नगर के गांव में एक निजी तालाब में जहरीला पदार्थ डालने से कई क्विंटल मछलियां मर गईं, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया।
अशोकपुर ग्राम पंचायत चुनाव में गुटबाजी के चलते जहरीला पदार्थ डालने के कयास लगाए जा रहे हैं। अलीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अशोकपुर शादीपुर का एक पूरा मामला। अंबेडकर नगर में किसान महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी समर्थन समाजवादी के नेता और कार्यकर्ता के अलावा भारी संख्या में किसान भी शामिल हुए। किसान महापंचायत में टांडा के एसडीएम सीओ तथा कई थानों की फोर्स तैनात की गई। ललितपुर में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की लापरवाही से तालबेहर से जखौरा जाने वाले रोड पर रखे कोलतार के ड्रमों में भीषण आग लग गई। आग किसानों की फसलों तक भी पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तालबेहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तरगुआ रेलवे क्रॉसिंग के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से कानपुर तक रेलवे लाइन और स्टेशनों के निरीक्षण के लिए निकले उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक विनीत कुमार त्रिपाठी ने भरवारी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेलवे जीएम द्वारा भरवारी रेलवे स्टेशन के निरीक्षण की सूचना पर भरवारी रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रेलवे जीएम ने भरवारी रेलवे स्टेशन पर उतरते ही पीने का पानी और चढ़ने के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म की ऊंचाई अधिक होने पर संबंधित को फटकार लगाई। सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र में फैले हुए अतिक्रमण को दुरुस्त करने को लेकर अब मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी अतिक्रमणकारियों पर कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। बस स्टैंड और मोरवा के मुख्य मार्गों पर बड़े पैमाने पर दुकानदारों के द्वारा दुकानों के बाहर अपनी दुकानें और सामान सजाकर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसको लेकर अब मोरवा पुलिस के द्वारा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी के अरई सुमेरपुर गांव में मिशन प्रेरणा के तहत प्रेरणा ज्ञानोत्सव चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में डीएम कौशाम्बी अमित कुमार सिंह रहे। ज्ञानोत्सव प्रेरणा चौपाल का शुभारंभ मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया गया। पीलीभीत में बाघिन का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपसी संघर्ष के चलते बाघिन की मौत बताई जा रही है। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने मामले की पुष्टि की है। बाघिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पीलीभीत जनपद की माला रेंज का ये पूरा मामला। मुरादाबाद में पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे की वापसी को लेकर जिले के पत्रकारों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। मुकदमा वापस न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बता दें कि अमरोहा में बीते गुरुवार को मुरादाबाद में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रोग्राम को कवरेज करने के दौरान दो पत्रकारों के साथ मारपीट आई और उन पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसकी तत्काल वापसी को लेकर प्रेस क्लब अमरोहा के अध्यक्ष परवेज सहारा और पदाधिकारियों और सदस्य पत्रकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डीएम उमेश मिश्रा के माध्यम से ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज को तत्काल वापस लेने और घायल पत्रकारों को 2,00,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में देने और पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है। कासगंज में पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ युवक ने फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की। अभद्र टिप्पणी से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने सीओ ऑफिस पर प्रदर्शन किया। युवक के खिलाफ कार्रवाई करने को सीओ सिटी रामकृष्ण तिवारी को ज्ञापन भी सौंपा है। सीओ सिटी ने कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पीलीभीत में दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए गए। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने ये उपकरण वितरित किए। दिव्यांगजनों को मानसिक किट, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन आदि उपकरण वितरित किए गए। विकलांग पुनर्वास केंद्र प्रभारी सुखवीर सिंह भदौरिया को राज्य स्तरीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया। शहर के गोहनिया चौराहा स्थित विकलांग पुनर्वास केंद्र का ये पूरा मामला। और इसी के साथ यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।